जय दोस्तों, क्या हाल है। इंडिया में गूगल पिक्सल 8 और गूगल पिक्सल 8 प्रो को लॉन्च कर दिया गया है और इस बार का प्राइस इतना ज्यादा हाई कर दिया गया है कि इसका प्राइस सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया। गूगल पिक्सल 7 का प्राइस 42,000 रुपीज है, वहीं गूगल पिक्सल 8 का प्राइस 76,000 रुपीज है। गूगल पिक्सल 8 सीरीज का प्राइस गूगल पिक्सल 7 सीरीज से 1.5 से 2 गुना प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट किया गया है और प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं। दोनों फोन का डिजाइन हमेशा के जैसा सिमिलर ही देखने के लिए मिलेगा और प्रीमियम डिजाइन मिलता है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो दोनों फोन का बिल्ड आपको सिमिलर देखने के लिए मिल जाता है। दोनों फोन का बैक आपको ग्लास का देखने के लिए मिलेगा और फ्रेम आप लोगों को मेटल का देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो गूगल पिक्सल 8 में आप लोग को गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन मिलता है और गूगल पिक्सल 8 प्रो में आप लोग को गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। पोर्ट एंड बटन के बारे में बात करूं तो दोनों फोन का आपको सिमिलर ही देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की साइड आप लोग को माइक्रोफोन टाइप सी पोर्ट और स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग को सेम ट्रे देखने के लिए मिल जाता है और नैनो सेम ट्रे और एसएम का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की साइड आप लोग को एंटीना और नॉइस कैंसिलेशन माइक आपको देखने के लिए मिल जाता है। राइट हैंड साइड में आप लोग को वॉल्यूम अप डाउन बटन और पावर बटन देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले साइज के बारे में बात करूं गूगल पिक्सल 8 में आप लोग 6.2 इंच का फुल एचडी प्लस ओएलईडी डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। गूगल पिक्सल 8 का डिस्प्ले साइज 6.7 इंच 2K ओएलईडी डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 2400 मिलता है। दोनों फोन में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों फोन में परफॉर्मेंस के लिए टेंसर G34NM चिपसेट मिलता है। LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगा। गूगल पिक्सल 8 में 4575mAh का बैटरी और 27W का चार्जिंग देखने के लिए मिल जाता है। गूगल पिक्सल 8 प्रो में आप लोग को 5050mAh का बैटरी और 30W का चार्जिंग देखने के लिए मिल जाएगा और दोनों फोन में आप लोग को वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। एंड्रॉइड 14 मिलता है और इसका अपडेट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें आप लोगों को मिलता है 7 इयर्स का मेजर अपडेट। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना साल तक कोई इस फोन को यूज भी करेगा। सिक्योरिटी के लिए इस फोन में टाइटन M2 चिपसेट दिया गया है। और मल्टीमीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। HDR10+ का सपोर्ट आपको मिल जाता है। 10 bit डिस्प्ले है, साथ ही वाइडन L1 का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। HDR में आसानी से आप लोग वीडियो को प्ले बैक कर पाओगे। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं डुअल 4G सिम सपोर्ट और 5G सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। 21 5G बैंड्स का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.3 और वाईफाई 7 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही NFC और सारे सेंसर्स का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगा। गूगल पिक्सल 8 प्रो में 50MP का प्राइमरी सेंसर और 48MP का अल्ट्रा वाइड और 48MP का टेलीफोटो सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं गूगल पिक्सल 8 में आप लोग को 50MP का प्राइमरी और 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो आप लोग 4K 60fps शूट कर पाओगे दोनों फोन से, फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से। गूगल पिक्सल 8 प्रो का बेस वेरिएंट आप लोग को 8GB 128GB का देखने के लिए मिल जाता है जिसका प्राइस है 1,07,000 रुपीज। एटलीस्ट यहाँ पे 256GB या फिर 512GB तो देना ही चाहिए था। और गूगल पिक्सल 8 का बेस वेरिएंट आप लोग को 8GB 128GB देखने के लिए मिल जाता है जिसका प्राइस है 76,000 रुपीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये फोन आप लोग को कैसा लगा और ये क्या प्राइस को जस्टिफाई करता है दोनों फोन। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।